नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज़। मैं प्रीति चंद एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया के बुलेटिन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 22,252 नए मामले, 467 लोगों की गई जाने। भारत में कोरोना के मामलों की संख्या 7,19,665 हो गई है। वहीं 4,39,948 लोग ठीक होकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। भारत में कोरोना महामारी से अब तक 20,160 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,252 नए मामले सामने आए और 467 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस पर स्टडी। प्राकृतिक तौर से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना असंभव। आपको बता दें, हर्ड इम्यूनिटी ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब किसी समाज में इतने अधिक लोग इम्यून हो चुके होते हैं कि वायरस का चैन टूट जाता है और नए लोग संक्रमित नहीं हो पाते। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बिना वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं हो पाएगी। लैंसेट ने प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये स्टडी काफी बड़ी थी और करीब 61,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे। चीनी बॉर्डर पर वायुसेना की हुकार। फॉरवर्ड पोस्ट पर अपाचे ने रात में भरी उड़ान। भारत चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड बेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर ने निगरानी के लिए उड़ान भरी। भारत वायुसेना लगातार बॉर्डर पर अभ्यास कर रही है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा MiG-29 समेत कई अन्य लड़ाकू विमान इससे पहले लेह के आसमान में उड़ान भर चुके हैं। एम्स एक्सपर्ट टीम ने दिया कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के प्रोटोकॉल में बदलाव का सुझाव। कोरोना कोवैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत देश के कई संस्थानों में हो चुकी है। इसी बीच एम्स की रिसर्च विंग के सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने ICMR और सरकार को प्रोटोकॉल के 11 बिंदुओं में सुधार का सुझाव दिया। इससे परीक्षण ज्यादा व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सटीक होगा। चीन के नए कानून का असर। हांगकांग में टिकटॉक ने बंद किया अपना ऑपरेशन। भारत में टिकटॉक को पहले ही बंद कर दिया गया है, अब हांगकांग में भी टिकटॉक ने अपना ऑपरेशन बंद किया है। चीन के द्वारा लागू किए गए कानून की वजह से ऐसा हुआ है। देश दुनिया के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे सिटी वैम न्यूज के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।